रन में सीरीज के तीसरे तीन RT20 एवं निर्णायक T20 मुकाबले में स्लॉग ओवरों में दिनेश कार्तिक नाबाद 33 रन 16 गेंद 4 छक्के और क्रुणाल पंड्या नाबाद 26 रन 13 गेंद 2 चौके 2 छक्के की बेहतरीन बल्लेबाजी और इन दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 28 गेंदों पर नाबाद 63 रन की साझेदारी भारत को जीत के मुहाने पर पहुंचाने के बावजूद उसे जीत से नहीं नवाज सके। टीम इंडिया इस मुकाबले में जीते से सिर्फ 5 रन दूर रह गई और 4 रन से हार के साथ ही न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की इस सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया। भारत से बैटिंग का न्योता मिलने के बाद न्यूजीलैंड ने कोटे के 20 ओवरों में 4 विकेट पर 212 रन बनाए। उसके लिए कोलिन मुनरो ने 72 रन 40 गेंद 5 चौके 5 छक्के ने आतिशी बल्लेबाजी की। उनके अलावा दूसरे ओपनर टिम सेफिट 45 रन 25 गेंद 3 छक्के 3 चौके और ग्रैंड होम 30 रन 16 गेंद 3 चौके 1 छक्का ने उपयोगी परियां खेली। भारत के लिए कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए। जवाब में 213 रन के बहुत ही मजबूत टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने खराब शुरुआत के बावजूद खुद को होड़ में बनाए रखा, लेकिन एक अच्छी कोशिश के बावजूद मेहमान टीम 20 ओवरों में 6 विकेट पर 208 रन ही बना सकी। सेंटनर और डारेल मिशेल ने 2-2 विकेट लिए। कोलिन मुनरो को मैन ऑफ द मैच और टिम सेफिट को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया, लेकिन करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमियों और कमेंटरों को भारत की हार का मलाल रहा। इन सभी खासकर गौतम गंभीर ने हार के लिए दिनेश कार्तिक को दोषी ठहराया, जिन्होंने 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन पर शॉट खेला लेकिन एक रन लेने से इनकार कर दिया। अगर कार्तिक यह रन लेते तो चौथी गेंद पर स्ट्राइक क्रुणाल पंड्या के पास होती। इस पर भी खराब बात यह रही कि चौथी गेंद पर कार्तिक एक ही रन निकाल सके। कार्तिक की यही गलती और उनका क्रुणाल को रन लेने से मना करना भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को बहुत ज्यादा चुभ रहा है और ज्यादातर का मानना है कि यही चूक भारत की हार का कारण बन भारत को आखिरी 6 ओवरों में जीत के लिए 74 रन की दरकार थी। उम्मीद इसलिए बरकरार थी कि पहली गेंद पर छक्का जड़कर शुरुआत करने वाले हार्दिक पंड्या 21 रन 11 गेंद 1 चौका 2 छक्के 1 छोर पर थे, तो उनका साथ दिनेश कार्तिक दे रहे थे। यह जोड़ी जीत की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक आउट हुए तो निगाहें धोनी पर जा टिकी, लेकिन जब धोनी 2 सस्ते में आउट हो गए तो उम्मीदें धराशायी होती दिखाई दी, लेकिन इन करीब करीब डेड उम्मीदों को दिनेश कार्तिक और क्रुणाल पंड्या ने अपने अंदाज से फिर से परवान चढ़ा दिया। इन्होंने स्लॉग ओवरों में बेहतरीन बल्लेबाजी से मैच में रोमांच को सबसे चरम पर पहुंचा दिया, लेकिन निराशाजनक यही रहा कि जब आखिरी ओवरों में भारत को जीत के लिए 16 रन बनाने थे तो ये दोनों मिलकर 11 रन ही बना सके। रोहित शर्मा के लिए उपलब्धियों से भरे साबित हुए दूसरे T20 मैच में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। टीम इंडिया ने पहले गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान टीम को 20 ओवर में 8 विकेट पर 158 रन तक सीमित रखा और फिर रोहित शर्मा के अर्धशतक 50 रन 29 गेंद 3 चौके और 2 छक्के की मदद से लक्ष्य 18.5 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा के अलावा मैच में ऋषभ पंत ने नाबाद 40 और शिखर धवन ने 30 रन की पारी खेली। पंत के साथ होनी 20 रन बनाकर नाबाद रहे। मैच में रोहित ने T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने का गौरव हासिल किया। उन्होंने न्यूजीलैंड के मार्टिन गिप्टिल को पीछे छोड़ा। न्यूजीलैंड ने ऑकलैंड के ईडन पार्क में टॉस जीतकर पहले बैटिंग का निर्णय लिया था। कोलिन डी ग्रैंड होम के 50 और रॉस टेलर के 42 रनों के बावजूद न्यूजीलैंड टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 158 रन ही बना पाई थी। न्यूजीलैंड के 3 विकेट हासिल करने वाले क्रुणाल पंड्या मैन ऑफ द मैच रहे। भारत की इस जीत के बाद 3 T20 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है। 10 फरवरी को होने वाले तीसरे T20 मैच में जीतने वाली टीम का ही सीरीज पर कब्जा होगा।
पहले T20 मैच में भारतीय टीम को 80 रन की शर्मनाक हार के का सामना करना पड़ा था। न्यूजीलैंड के 158 रन के जवाब में भारत को रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी ने तेज शुरुआत दी। शुरुआती दो ओवर में इन दोनों ने 11 रन बनाए। पारी के तीसरे ओवर में रोहित शर्मा ने लॉकी फर्ग्यूसन को छक्का लगाया। इस ओवर में 11 रन बने। चौथे ओवर में कुगिल जिनको पहले चौका और फिर छक्का जड़ते हुए रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने के मार्टिन गप्टिल के रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए। इस ओवर में 12 रन बने। पांचवें ओवर में बारी धवन की थी, उन्होंने सऊदी को दो चौके लगाए। पांच ओवर के बाद स्कोर 42 रन था। आठवें ओवर में पिछोड़ी को छक्का जड़कर भारत के रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। रोहित इस समय T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने के साथ सबसे ज्यादा शतक 4, सबसे ज्यादा 50 की साझेदारी 20 और साझेदारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है। वे शिखर धवन के साथ पहले विकेट के लिए 1480 रन जोड़ चुके हैं। उन्होंने मार्टिन गप्टिल के 2272 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। सोडी के इस ओवर में 11 रन बने। अगले ओवर में रोहित ने अपना अर्धशतक पूरा किया। इस दौरान उन्होंने 28 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके और 4 छक्के लगाए। अर्धशतक पूरा करने के बाद रोहित 50 रन 29 गेंद स्पिन रीश सोडी के शिकार बन गए। कैच टीम सऊदी ने लपका। पहले नंबर पर ऋषभ पंत बैटिंग के लिए आए। 10 ओवर के बाद स्कोर 1 विकेट खोकर 83 रन था। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद शिखर धवन 30 रन 31 गेंद 2 चौके भी ज्यादा देर नहीं थके और फर्ग्यूसन की गेंद पर कॉलन डी ग्रैंडहोम को कैच थमा बैठे। विकेट पर अब पंत के साथ हरफन मौला विजय शंकर थे। भारतीय टीम की रणगति में कुछ कमी आ गई थी। टीम इंडिया के 100 रन 12.3 ओवर में पूरे हुए। 14वें ओवर में 15 रन बन। इस ओवर में मिचेल को पंत ने 2 चौके और विजय शंकर ने 1 छक्का लगाया। हालांकि ओवर में दूसरा छक्का लगाने के प्रयास में विजय 14 सऊदी को कैच थमा बैठे। पंत का साथ देने एम्स धोनी क्रीज पर आए। 15 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 3 विकेट खोकर 129 रन था और शेष 30 गेंदों में भारतीय टीम को इतनी ही रनों की जरूरत थी। 16वें ओवर में पिछोड़ी की गेंद पर पंत का कैच रॉस टेलर ने छूटा। पंत और धोनी ने नाबाद रहते हुए भारतीय टीम को 18.5 ओवर में जीत तक पहुंचा दिया। पंत 40 रन 28 गेंद 4 चौके और 1 छक्का तथा एमएस धोनी 20 रन 17 गेंद 1 चौका बनाकर नाबाद रहे। विजयी चौका ऋषभ पंत।